मॉर्निंग, सुबह हो गई है, इतना ठंडा भी लग रहा है क्योंकि इधर तो ठंडा लग भी नहीं रहा था। मैं तो 6 बजे में उठ के मैं अपना ओटमिला निकाल के फिर मैं सो गई, जबकि आज मेरे को जल्दी उठना था। हैप्पी दिवाली गाइस। तो आज लगभग बहुत लेडी सबको आज ये फास्टिंग भी होगा क्योंकि मेरा भी आज है, इसलिए मैं समझती हूँ जो सबका फास्टिंग हो सकता है। तो बहुत सुबह बहुत लेट हो गया था उठने में, इसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, इसके मैं सॉरी। और आप लोग बताइए जो आप लोग कैसे हैं, क्योंकि आज के दिन राम जी आए हैं अयोध्या, इसी कारण से आज के दिन दीपावली मनाया जाता है। अब मैं ना फ्रेश हो गई हूँ, तब मैं जाऊँगी बाहर, फिर मैं फ्रूट वगैरह काटूँगी पापा के लिए। सब खाना पीना तो थोड़ा कम ही बनेगा क्योंकि मुझे और मेरी मम्मी का फास्टिंग है, तो इसकी वजह से खाना पीना कम बनेगा। तो देखिए खाना पीना क्या बनता है, ऑर्डर तो चलाएँगे ही, बिना ऑर्डर से कुछ होगा ही नहीं। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोग को खाना पीना बनाने के बाद। पक्का खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज मेरा मूड है ही नहीं है, आज के दिन खाना नहीं बनना चाहिए। आप लोग भी नहीं बनाइएगा, मैं मना कर रही हूँ सबको। ये क्या बात हुई, जो अपना फास्ट है तो दूसरे के लिए भी खाना नहीं बनाओगे? हाँ, ये क्या बात हुई, यही होता ही है। अगर लड़की फास्ट हो रही है तो लड़का बाहर से खाना मंगा के खा ले, तुम बाहर का नहीं खा सकता ना अभी? नहीं, आपको खाना पड़ेगा। वैसे सब कुछ खाते हैं, मंचूरियन, पाव भाजी, फ्राई मंचूरियन, सब कुछ। खाना में क्या खाऊंगा आज? आज आपको ठीक है, आपको खाना पड़ेगा वही सब चीज। उसका ऑफिस बंद है, उसको आराम है, घर की लड़की को कोई आराम नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वो आपको करना पड़ेगा, मंगवाइए, पापा तो खा लेंगे दही चूड़ा सब, आप अपने लिए मंगवाइए। मूंग चना खा रहे हैं अभी, उसके बाद फिर अभी मैं आई हूँ चाय पीने के लिए, और मैं दही आई हूँ अपना मेकअप करवाने के लिए। तो क्यों आई है सुबह सुबह? दही को घूमने जाना है। कहाँ जा रही है घूमने? कहाँ घूमने जा रही है? कहाँ जा रही है? तो फिर तेरी दादी तो बोली है जो वैदेही जा रहे घूमने के लिए। तेरी दादी, तेरे पापा, तेरे काकू, तेरी मम्मी सब जा रहे हैं, तू नहीं जाएगी मेरे साथ? जाएगी ना। नहीं नहीं, काकू बोल ना कहाँ जा रही, पहले बता। नहीं तू जा रही है? तू मार्केट जा रही हूँ सामान सब लाने, बहुत होशियार बच्ची हूँ। मुझे भी लेके चलेगी? मैं भी चलूंगी, चल ना। नहीं मैं अपने गाड़ी से रहूंगी, तू अपने पापा के स्कूटी से रहना। चादर लगा रही है दीपावली के खुशी में, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है, इसमें मम्मी रहती है। इधर ये पूरा खराब हो गया था यहाँ पे, तो वो अच्छा हुआ है। अब देखिए मेरे कान्हा जी आज मना लिए दीपावली, नया नया कपड़ा पहन लिए हैं। अभी इधर लाइट भी नहीं है, लाइट गई हुई है। ये देखिए, मैं तो बोली थी जो सब्जी मैं नहीं बनाऊंगी, बट फिर भी बनाना पड़ा मूंग का सब्जी। ये चावल बचा हुआ है, इसको फ्राई करना पड़ेगा, और सब्जी भी बन गया है। ये देखिए, ये है मास्टर बेडरूम, इसमें भी मम्मी नया नया बेड शीट लगा करके गई है, बहुत प्यारा लग रहा है कलर भी। बस ऐसी मम्मी है जो अपना बिस्तर वगैरह सब कुछ करती है, बेड वगैरह ठीक करती है, मैं तो नहीं करती, ये सब काम अपना मम्मी करती है। उधर मैं खाना बना रही थी तो अपना कर ली इधर। ये पसीने से पूरा गीली हो गई हूँ, लाइट भी नहीं है, बहुत परेशान हो रही हूँ। अभी लाइट भी बहुत जा रही है क्योंकि इधर मेट्रो का कोई काम चल रहा है, इसकी वजह से लाइट जाती है आती है। वैसे ठीक ही रहता है लेकिन कभी कभी जाती है फिर आती है। ये मेरी मम्मी सोफा सबको भी ठीक कर रही है। अब अब इधर का सोफा ठीक करेगी, बस सुबह से सिर्फ काम में लगी हुई है। मेरे यहाँ लाइट भी आ गई है, लाइट जा रहा है आ रहा है। अब मैं चावल फ्राई करूँगी, चावल फ्राई करने के बाद फिर खाना निकालूंगी। अब देखिए अब मेरा चावल फ्राई हो गया है, इनको भी बहुत भूख लगी हुई है, तो अब ये भी अपना खाना पीना खाएंगे। मेरी मम्मी टेबल के नीचे कारपेट लगा दी है, ऊपर से टेबल क्लॉथ लगा दी है। जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तब ये सब फिर लगाते हैं, वैसे लगा के भी क्या करेगी, गंदा भी बहुत होगा, गंदा होगा तो फिर उसको साफ भी करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है जो कोई फंक्शन में ही लगे तो अच्छा रहता है, साफ भी रहता है,
ये देखिए इधर पूरा हो गया, सोफा वगैरह सब कुछ ठीक कर दी है। देखिए ये पूरा तो ठीक है, थोड़ा इधर से ढीला जैसे लग रहा है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा भी बहुत ही। तो ये भी नया खरीदी है दीपावली में। अब ये सब करने के बाद देखिए कपड़ा सब धोने के लिए, बस इनको बैठने में अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ करती ही रहती है। बहू ही ऐसी है तो क्या करेगी, काम करना ही पड़ेगा ना सास को। ऐसा कोई बात नहीं है, मम्मी अपने मन से कुछ भी करते हैं, मैं नहीं बोलती कुछ करने के लिए, उनको नहीं सही लगता तो करती है। कपड़ा वगैरह रहता तभी मशीन भी चालू होता, ज्यादा कपड़ा में भी सही रहता क्या, एक दो कपड़े के लिए कोई भी मशीन चालू कोई भी करता होगा, आप लोग करते होंगे चालू। लेकिन डेली का जो कपड़ा रहता है ना, उसको डेली साफ करना रहता है, भले मशीन चालू हो या ना हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं जो एक ही कपड़ा रहता है, घर में बहुत सारा कपड़ा रहता है, उससे भी आप कर सकते हो। तो ना आज टी शर्ट ये पहने तो परसों भी यही पहनेंगे, दूसरा भी पहन सकते हो। आपकी जो आदत है तो आप आदत अपना कैसे सुधारेंगे, नहीं सुधार सकते। वो ये बोलता नहीं मैं नहीं सुधरूंगा, यही है इनका डर, मैं नहीं सुधरूंगा, जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। मेरी आंटी लोग अपने घर जा रही है बोली हूँ रहने के लिए, लेकिन नहीं रह रही है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। इनको कौन लेके जाएगा, अरे कजिन की शादी भी है। हाँ तो 18 तारीख आ जाइएगा ना, 16 को शादी है, 18 को आ जाइए फिर। हाँ आएंगे ना, 18 को तो आ जाएंगे। हाँ 18 को आ जाओ, ऐसे तो जो भी 19 में हमारा छठ है ना। अंति जल्दी से आ जाएगा, चलिए बाय। अच्छा चलिए बाय, हैप्पी दिवाली। ये चांद का तबीयत में आज कुछ हो गया दिवाली, सुबह में तो ठीक थी, सुबह में तो ठीक थी। हाँ जल्दी जल्दी गई आंटी अपने घर। ये देखिए मखान का खीर बना रही हूँ, अभी इसमें दूध दी हूँ, दूध उबलने के बाद फिर इसमें मखान दूंगी। ये खा के देखिए, खा के अपने पोछा साफ किए हैं, गंदा जो गिराए हुए थे। क्या करें, जब बीवी पोछा मारेगी नहीं खाने पे तो खुद मारना पड़ेगा। हाँ तो क्या, बीवी कितना कर देगी, वो करना ही पड़ेगा, खुद का काम खुद करना चाहिए आदमी को, क्यों सब काम औरत ही करेगी, लड़की करेगी, खुद भी कर सकती। हम लोग हैं लिफ्ट में, आप देख सकते हैं ये कैसे दिख रहा है, मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरा सिर्फ फेस दिख रहा है। अब हम लोग लिफ्ट से बाहर निकल गए हैं, गार्ड में आ गए हैं, मैं जा रही हूँ फटाका खरीदने के लिए। अब देखे क्या क्या दिलवाते हैं बच्चे लोग, अभी से शरारत स्टार्ट किया, बहुत फटाके छोड़ते हैं ये लोग भी फटाका लेने के लिए। चलो पटाखा लिए है, अभी चक्री बाकी है तो फिर दूसरी
दुकान पे जाऊंगी तो वहाँ पे चक्री हम लोग लेके जाएंगे। बिना चक्री के तब मैं नहीं जा सकती, चक्री लूंगी तभी मैं जाऊंगी। ठीक है ठीक है, आना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो क्या सब ले रहे हैं। उधर तो चक्री नहीं मिला, अब देखेंगे क्या मिला यहाँ पे। यार ये नहीं अच्छा लगता, लेना तो बड़ा ना लो जो ज़्यादा देर तक वो होगा। जो करते हैं जैस करूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। यार 10 वाला दिलवा दो भाई, 1-10 वाला दे दो। लो और दुआ देना, ठीक है? हाँ दुआ, चलो खड़े लड़का जाओ। देखिए अब मेरा पता है, मैंने ले लिया है ये चक्री, ले लिया है ये एंग्री बर्ड्स, ले लिया है ठीक है हाथ से फोड़ने वाला, बच्चों के लिए स्पेशली बच्चों के लिए लिया है ये मैंने। ये मैं क्या फोड़ूंगा, ये मेरा भांजा आएगा तो उसके लिए लिया है मैंने। ये 3 पैकेट लिया है मैंने। अब हुई ना बात, अब हुई बात मेरे पति और ये भी एंग्री बर्ड्स ही है ठीक है। देखिए ये मेरी मम्मी रंगोली बनाई है, क्या होना ही बाकी है, सारा तैयारी मम्मी की है। खाना सभी बन गया पूरा, तक जब मैं गई फटाका चलाने के लिए तब मेरी मम्मी सब कुछ काट करके रखी हुई थी। तो ये देखिए सब्जी भी बन गया आलू गोभी का, ये इधर साग भूजी हूँ पापा के लिए, और ये देखिए दाल भी बन गया है, चावल सेट करके रखी हूँ, इधर पकौड़ा वगैरह भी काट करके रखी हुई है। फटाका छोड़ने के लिए ये देखिए, ये मम्मी लेके जा रही है फटाका का पानी, और ये रही मेरी मैदे। इसको हो गया तबीयत खराब, मम्मी बोली जो तू नहीं जा, जाके घर में रोना धोना स्टार्ट कर दी, तब हम लोग के साथ में जा रही है। उठना नहीं है, क्यों भागे? मुझे लगा मेरे पास आ रहा है। बैठे रहो वहीं पे, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। डर बहुत लगता था, फिर भी छोड़ी हूँ। अब मम्मी वो दीदी लोग आई हुई है, उनसे बात करते हैं, उनसे बात करने के बाद सारा भाई उसको डरने लगता है। उड़ा आदमी उसके सामने लेके जाएंगे, लेगा भी नहीं लेगा, उसको चला दोगे फिर भी नहीं लेगा।